ये कोई मामूली ग्लव्स नहीं है, बल्कि ये वो ग्लव्स हैं जिससे आने वाली नस्लें बच सकती हैं। और इस ग्लव्स की स्टोरी जानने के लिए तुम्हें 30 साल पहले जाना। ए बच्चे इधर आ। अंकल वो वैसे ही मैं देख रहा था। इधर आ बच्चे, मेरी बात सुन। ये मेरी बहुत कीमती शय है, ये मैं तुम्हें अमानत दे रहा हूँ। और ये आने वाले 30 सालों बाद ना ये तुम्हारी नस्लों के बहुत काम आएगी, और सही वक्त पर इसका सही इस्तेमाल करना। बच्चे ये आप पहन लो और इस मिशन की शुरुआत अब तुम करोगे। हाथ बढ़ाओ। रुको, मेरी बात सुनो गौर से। ये जब आप एक दफा हाथ में पहन लोगे तो ये पूरी जिंदगी नहीं उतरेगा। पहन लो मेरे बच्चे, ये बहुत फायदा देगा आने वाली नस्लों को। ये लो, ये पूरा इससे भरा हुआ है, और अपने आने वाली नौजवान नस्ल को बचाओ। यार इमरान, इस आजादी के मौके पे देखो हमने कितने सारे पौधे लगाए जिससे आने वाली हमारी नस्ल आलूदगी से पाक रहेगी, और सोच वो कितनी मजबूत बनेगी, सोच हम कितने फायदे का काम कर रहे हैं। ओ तीतर के चुचड़ों, क्या तुम लोग ये घास फूस लगा रहे हो? मौसम देखो, अभी तूफान आ जाएगा, सब उड़ जाएंगे, रात में भेड़ बकरियां आ जाएंगी, ये सब पेड़ पौधे खा जाएंगे। कोई ऐसा काम करो जिससे नौजवान नस्ल का फायदा हो सके। ये क्या है, तो सब उड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा, बारिश बरसात में सब निकल जाएगा। अबे ओ, तेरे पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता है आने वाली नई नस्ल को बचाने के लिए? है तो बता ना। हाँ मेरे पास एक दूसरा रास्ता है, लेकिन तुम दोनों को उस रास्ते तक पहुँचने के लिए मेरा साथ देना होगा। हाँ हम जाएंगे, हम अपने आने वाली नस्ल को बचाने के लिए तेरे साथ हर रास्ता पार करेंगे। हाँ तो ठीक है, फिर चलो मेरे साथ। आओ आओ, 30 साल बाद वो घड़ी आ चुकी है, आओ बैठो। अब सही वक्त आ चुका है अपनी नई नस्ल को बचाने का। बाबा हम वहाँ पौधे लगा रहे थे और इसने हमें कहा कि आपके पास कोई ऐसा सिलेशन है जो आने वाली नस्ल को बचा सकता है, तो बताओ बाबा वो आखिर है क्या जो आने वाली नस्ल को बचा सकता है? बिल्कुल सही जगह पे आए हो तुम लोग। अब वक्त आ चुका है कि हम अपनी नौजवान नस्ल को दूसरी तरह से रोक सकें। ये घास फूस ये किसी काम के नहीं है, रोकना है उनको, आबाद करना है तो इन सब चीजों से करो। अब तुम पूछोगे कि ये क्या है, ये डब्बा देख रहे हैं आप लोग, इसमें बहुत सारे ऐसे ग्लव्स हैं जो तुमने पूरी ईमानदारी से पूरे शहर में नौजवानों को बांटने हैं। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना? अब मैं तुम्हें एक अमानत देने जा रहा हूं जो 30 साल पहले मुझे दी गई। अब वक्त आ चुका है, ले जाओ इसे, ले जाओ इसे। और हाँ मेरी बात याद रखना, इसके अंदर इस तरह के बहुत सारे ग्लव्स हैं, अगर किसी ने एक दफा पहन लिया तो ये किसी चीज से जिंदगी भर नहीं उतरेगा, ये याद रखना। ये लो, ले जाओ इसे, ले जाओ। को यार पूछ तो लेते हैं इससे कि इसमें है क्या। मुझे भी ऐसे ही लग रहा है, इससे क्या होगा नौजवान, इससे अच्छे तो पौधे दे। बाबा ने अगर दिया है ना तो कुछ सोच समझ कर ही दिया होगा, इसका कोई ना कोई फायदा जरूर होगा नौजवान नस्ल को।
आज की ताज़ा खबर यह है कि कुछ लोग शहर में ग्लव्स बांट रहे थे, वो भी बहुत अजीब तरह से थे। बहुत सारे लोगों ने वो ग्लव्स लिए और पहने और कुछ लोगों ने पहनने से इनकार कर दिया। Naughty America. घासफूस ये किसी काम के नहीं है। रोकना है, उनको आबाद करना है तो इन सब चीजों से करो। जब आप एक दफा हाथ में पहन लोगे तो ये पूरी जिंदगी नहीं उतरेगा। मतलब अब ये काम हो ही नहीं सकता। Ha 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 ha!